हेलो फ्रेंड्स, आज का जो ये मेरा वीडियो है ये मैंने बनाया है सेक्सुअल वीकनेस या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इम्पोटेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेमिनल एमिशन, प्रीमैच्योर इजेकुलेशन, स्पर्मेटोरिया, नाइटफॉल और जो है स्पर्म काउंट, और अगर किसी का पेनिस साइज, ऑर्गन का साइज भी कभी कभी जो है श्रिंक हो जाता है, ये सब जो प्रॉब्लम्स होती है ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में जो है हम इसको जो है रखते हैं, कैटेगरी में रखते हैं। तो ये मेरा वीडियो आज का, मैंने इसमें इसी यही टॉपिक लिया है सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल वीकनेस के ऊपर। आप ये वीडियो मेरा पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। दोस्तों, सेक्सुअल वीकनेस या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है एक आम जो है समस्या है, प्रॉब्लम है, और बहुत लोग जो हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जो है सफ़र करते हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं होती हैं, लेकिन वो शर्म के मारे या किसी हेजिटेशन की वजह से इन प्रॉब्लम्स को जो है डिस्कस नहीं करते किसी डॉक्टर से या किसी जानने वाले से जो उनको प्रॉपरली गाइड करे, और कुछ वो अपने आप ही कुछ एलोपैथिक मेडिसिन, कुछ इधर उधर से मेडिसिंस जो है लेते हैं, जिससे जो उनकी जो प्रॉब्लम है और भी जो है वो बिगड़ जाती है, वर्स हो जाती है। अब इसमें जो ज़्यादातर जो लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, और इसके साथ जो है प्रीमैच्योर इजेकुलेशन बहुत लोगों को होता है, ये जो प्रॉब्लम है सेमिनल जो एमिशन है, नाइट फॉल, इस तरह की भी प्रॉब्लम होती है, स्पर्म काउंट, बहुत लोगों का जो है स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, सेक्सुअल सेक्स रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, तो होम्योपैथिक कम्बिनेशन फार्मूला जो हमारे क्लिनिक पर हम तैयार करते हैं, और वो इस तरह की बहुत सारी जो मेडिसिंस होती हैं उनको हम मिक्स करके उनका प्रॉपर जो पोटेंसी होती है उसमें, प्रॉपर जो उनकी जो क्वांटिटी होती है उसमें हम बनाते हैं, और ये जो मेडिसिंस होती हैं बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, और हम अपने सुपरविज़न में इन मेडिसिंस को तैयार करते हैं। अब बहुत से लोग क्या है वो पूछते हैं कि सर आप जो है एक मेडिसिन कोई ऐसी बता दिए जिससे जो है ये प्रॉब्लम जो है क्योर हो जाए, तो एक दो मेडिसिन अगर हम बता देंगे आपको तो सेक्सुअली रिलेटेड प्रॉब्लम्स में क्या है, इसको हर चीज़ को हर एंगल इसमें हमको इंक्लूड करना। सेक्सुअल वीकनेस जो है इसमें खाली फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मेंटली और सोशल तीनों चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जो है आपका दिमाग जो है किस तरह से सोचता है, आपकी बॉडी की फिजिकल जो है फिटनेस कैसी है, आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इशू तो नहीं है, जैसे कुछ बीमारी, डायबिटीज़ हुआ या हार्ट प्रॉब्लम हुआ या किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको ब्लड प्रेशर है, इस तरह की अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उसका जो सीधा, या आपको डिप्रेशन है या आप स्ट्रेस में रहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा काम है, आपका कोई वर्क है वो ऐसा है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक बैठा रहना पड़ता है, फिज़िकल एक्टिविटी आपकी बिल्कुल नहीं है, आप ओवरवेट हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये सब चीज़ें जो है देखना पड़ती हैं, और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने जो कम्बिनेशन बनाया है वो इस तरह की मेडिसिन हम यूज़ करते हैं जिसमें इन सब चीज़ों को, इन सब जो इशू हैं इनको हम इंक्लूड करते हैं। सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ज़्यादातर जो होती है ये मेंटली होती है, असल में इस तरह की प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन जो पेशेंट है वो अपने आप को इस तरह से फील करने लगता है कि मेरे अंदर जो है इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है, एक इन्फीरियर फीलिंग उसके अंदर आ जाती है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, मैं जो है सेटिस्फाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो ये उसके दिमाग में चलता रहता है। अगर किसी को कोई भी सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये नहीं कि उसका बाकी जो, अगर किसी के दर्द है तो उसके दर्द हुआ, उसने जो है एक टैबलेट खा ली या कोई मेडिसिन ले ली,
उसका पेन ठीक हो गया। सेक्स रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उसके बारे में सोचता रहता है इंसान, वो उसकी इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है उसकी दूसरी एक्टिविटीज़ पर भी होता है। वो जो किसी को अगर वो कोई काम करता है तो पूरा दिल लगा के उस काम को नहीं कर पाता, वो अपने आप को ये समझने लगता है कि मैं जो हूँ मेरे अंदर एक कमी है, या इस तरह की उसके अंदर जो है फीलिंग आने लगती है, और जिससे उसकी पूरी हेल्थ पे जो है इसका असर पड़ता है, और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है और बढ़ती चली जाती है, और आगे चल के वो जो है सच में या रियल में जो है वो इस बीमारी का जो है शिकार हो जाता है। तो यही है कि अगर आपको इस तरह की कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम है, आपकी टाइमिंग बहुत कम है, या फिर आपको स्पर्मेटोरिया है, सेमिनल एमिशन है, या नाइटफॉल की आपको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या आपका जो ऑर्गन है उसकी जो नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो मैस्टरबेशन करने से जो है बहुत ज़्यादा जो है वीक हो गई, जिसमें जो है प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता, इरेक्शन पूरी तरह नहीं हो पाता, इस तरह की आपको कॉम्प्लिकेशंस हैं, और इसके साथ आपको रेस्टलेसनेस, बेचैनी, घबराहट रहती है, आप रात को जो है पूरी प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, ये कुछ दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ जो है मिल जाती हैं, और इस तरह से पूरा एक बॉडी पे जो है इनका नेगेटिव जो है इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह के तो एक या दो मेडिसिन अगर आप लेंगे तो ये पूरी जो प्रॉब्लम्स हैं ये पूरी आप क्योर नहीं कर पाएंगे। कुछ दिन आपको जो है थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको फिर यही प्रॉब्लम होने लगेगी। इसीलिए अगर आप कंप्लीट क्योर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो मेरी पूरी तरह से ठीक हो और आगे फ्यूचर में जो है ये प्रॉब्लम ना हो, तो आप जो है होम्योपैथिक कम्बिनेशन फार्मूला जो 12 मेडिसिंस का मिक्स करके हम बनाते हैं, और हर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का अलग होगा उसमें, और आपको अगर प्रीमेच्योर इजेकुलेशन है तो उसमें उसी हिसाब से जो हम मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, और उनको जो है मेडिसिंस को प्रॉपर डोज में, प्रॉपर पोटेंसी में हम मिक्स करते हैं, और इस तरह से सेलेक्ट करते हैं मेडिसिन के एक मेडिसिन दूसरे मेडिसिन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन ना, उसके इफेक्ट को जो है वो काटे नहीं। इस तरह जो ये मेडिसिन आप अगर लेंगे तो कुछ दिन तक, इनका ये है कि 1 महीने भी अगर आप मेडिसिन ये यूज़ करेंगे जो कम्बिनेशन फार्मूला मेडिसिन है, तो आप देखेंगे आपकी जो ये प्रॉब्लम है क्योर हो जाएगी। तो ये आप इस तरह से इसको मेडिसिन्स को यूज़ करें, हमारे क्लिनिक पे ये मेडिसिन जो अवेलेबल है, तो इनका बहुत ही अच्छा सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जो मैंने अपना सेक्सुअल वीकनेस, सेक्सुअल कॉम्प्लिकेशंस प्रॉब्लम्स, और उनके लिए जो हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन्स है कम्बिनेशन है उसकी इफ़ेक्टिवनेस, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आप ये अगर यूज़ करते हैं कम्बिनेशन मेडिसिन तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये वीडियो आपको अगर मेरा पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।